हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग तैमूर रजाबोव का एक अटैकिंग गेम देखेंगे जो कि उन्होंने बर्टन मैथ्यूस के साथ 2004 में फीडे वर्ल्ड कप में खेला था। दोस्तों, इस गेम में तैमूर रजाबोव के वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की d4 के साथ। लेक ने खेला f5 टच डिफेंस, c4, नाइट f6, नाइट c3, g6। यहाँ पे रजाबोव ने खेला h4, d6 एंड h5। सो यहाँ पे वो अपने एक पॉन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एच फाइल खोलने के लिए। यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट इंटू h5 एंड नेक्स्ट मूव में तैमूर रजाबोव ने अपने एक्सचेंज को सेक्रीफाइस कर दिया रुक इंटू h5 के साथ। ब्लैक ने रिकैप्चर किया जी इंटू h5 एंड यहाँ पे तैमूर रजाबोव ने सेंटर पे स्ट्राइक किया e4 मूव के साथ। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखें तो तैमूर रजाबोव के पास एक्सचेंज के बदले ब्लैक का किंग काफी ज्यादा वीक है। सो व्हाइट के पास कंपनसेशन है। यहाँ पे ब्लैक ने खेला c6 एंड क्वीन इंटू h5 चेक के बाद किंग d7। सो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक का प्लान ये है कि वो अपने किंग को क्वीन साइड में ले जाके सेफ रखना चाहता है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला क्वीन इंटू f5 चेक, किंग c7 एंड क्वीन a5 चेक, b6, क्वीन a4। ब्लैक ने खेला बिशप g7। सो वो d4 पॉन पे अटैक कर रहा है, बिशप e3 एंड c5। यहाँ पे व्हाइट ने किया लॉन्ग कैसल एंड बिशप d7 के बाद क्वीन पे अटैक है। सो क्वीन a3 खेला गया गेम में। यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट c6। सो सेंटर पे प्रेशर है तो व्हाइट ने खेला d इंटू c5 एंड b इंटू c5 के बाद हम लोग देख सकते हैं ब्लैक का किंग काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। सो इसलिए जब भी किंग ओपन रहता है तो हम लोगों को सेंटर को ओपन करना चाहिए। इसलिए इस पोजीशन में वाइट ने खेला f4। सो वो नेक्स्ट मूव में e5 खेल के सेंटर को ओपन करना चाहता है। गेम में खेला गया क्वीन b8। ब्लैक का शायद आइडिया ये है कि वो क्वीन b4 खेल के अपने क्वीन को एक्सचेंज करना चाहता है। यहाँ पे वाइट ने खेला e5 एंड ब्लैक ने खेला नाइट b4। नाइट f3 खेला गया गेम में एंड इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला a5, नाइट g5, क्वीन e8 एंड यहाँ पे नाइट b5 चेक खेला गया। सो बिशप इंटू b5, सी इंटू b5, क्वीन g6। इस पोजीशन में ब्लैक c2 स्क्वायर पे चेकमेट का थ्रेट कर रहा है। सो उसे प्रिवेंट करने के लिए व्हाइट ने खेला बिशप d3, नाइट इंटू d3। यहाँ पे व्हाइट ने रिकैप्चर किया क्वीन इंटू d3 के साथ। सो दोस्तों, इस पोजीशन में व्हाइट एक एक्सचेंज डाउन है, फिर भी वो अपने क्वीन को एक्सचेंज करा रहा है क्योंकि इस पोजीशन में व्हाइट के सारे पीसेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और ब्लैक के e6 वाले पॉन पे ज़रा सपोर्ट नहीं है। गेम में खेला गया क्वीन इंटू d3 एंड रुक इंटू d3 के बाद ब्लैक ने इस पोजीशन में खेला किंग d7 और e इंटू d6 के बाद इस पोजीशन में ब्लैक ने गेम को रिजाइन कर दिया। ब्लैक ने इस पोजीशन में गेम को रिजाइन इसलिए किया क्योंकि अगर वो यहाँ पे ई इंटू d6 खेलता तो यहाँ पे बिशप इंटू c5 खेला जा सकता था। फिलहाल d6 पॉन पे अटैक है। सो बिशप f8 के बाद यहाँ पे व्हाइट खेल सकता था नाइट e4। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक किंग e6 खेलता तो नाइट इंटू d6 के बाद बिशप इंटू d6 एंड रूक इंटू d6 चेक, किंग f5 एंड g3 के बाद दोस्तों यहाँ पे व्हाइट के पास एक्सचेंज के बदले 3 एक्स्ट्रा पॉन है जो कि जीतने के लिए काफ़ी सफिशियंट है। यहाँ पे ये b5 वाला पॉन फास्ट पॉन है। सो इस पोजीशन में व्हाइट कंप्लीटली विनिंग होता। सो दोस्तों, इस पोजीशन में e इंटू d6 के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को ये तैमूर रजाबोव का गेम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।